मैं ऐसे देश में जी के क्या करूंगा, इससे अच्छा तो मैं बॉर्डर पे मर जाता। मुझे लोग सही तो कहते, आप जैसे मुझे नमन कहते, और आज मैं प्रशासन की वजह से मैं आज मरने को मजबूर हूँ। जो मैंने निर्णय लिया मेरा फायदा है। आपने आपने वो गलत बात है सर। आपने सर कितने साल आर्मी में जॉब किया? 22 साल आर्मी में जॉब की है। मैं तो सर की कोई नहीं बना, लेकिन ये लोग मेरे मार देंगे। नमस्कार, हेडलाइन सिंह में आपका स्वागत है। मैं मोहन कुमार, इस समय मौजूद है मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट परिसर पर, जहां पर अभी एक मीरापुर के जो प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने यहीं पर आत्मदाह की जो है कोशिश की है भाई पुलिस बल के द्वारा, हालांकि उन्हें रोक लिया गया है। उसी को लेकर आइए हम सीधा उन्हीं से ही बातचीत करेंगे आपके साथ। लेकिन जो दूसरा पर्चा हमने दाखिल किया, इन्होंने कहीं नोटिस बोर्ड के ऊपर उसका कहीं डिस्प्ले नहीं किया, और हमें ये बताया गया था आप 10 बजे आना, 10 बजे से 11 बजे तक आपको टाइम मिलेगा दोबारा दूसरे पर्चे में भी अगर कमी है उसको दूर करने का। मैं करेक्ट यहाँ 10 बजे आ गया। जो रिटर्निंग अफसर हैं वो 11 बजे आते हैं, और 11 बजे आने के बाद वो एक एक करके लोगों को बुलाते हैं, किसी का कैंसिल करते हैं, किसी रखते हैं। जब मेरा नंबर आया तो मेरे को बोलो भी आपके पेपर के अंदर ये दो कमी है। मैंने कहा सर ये लागू नहीं है, चलो रह गए मैं मानता हूँ, लेकिन पहले जो हमने पेपर दिया था उसमें कमी नहीं थी। कह रहा नहीं मेरी तरफ से आपका पेपर, सर मेरे कागजों में मेरे आश्रय डिपेंडेंट है, मेरा बेटा आर्मी में स्क्वाड्रन लीडर है, दो बच्चे मेरी ज्वाइंट फैमिली है, वो कनाडा में अफसर भी हैं और यूनिवर्सिटी के चेयरमैन भी हैं। तो मैंने इनको रिक्वेस्ट की थी भाई मेरे ऊपर पहली बात आश्रित कोई है ही नहीं डिपेंडेंट, लागू ही नहीं मैंने लिख दिया, लेकिन उनकी आए मैं लागू नहीं खाली एक कॉलम में लिखना भूल गया, उसके आधार पर नोटिस। सर 10 बजे अधिकारी के बैठने का टाइम है जी, ताकि वो हमारे जो द्वारा आवेदन दिए उन पर आगे, लेकिन खुद अधिकारी 11 बजे आ रहे हैं और 11 बजे आके सुन के और कह रहे जी आपका पर्चा कैंसिल। अरे मुझे बचने का मौका तो दो, अगर फांसी पे भी चढ़ाया जाता है उसको भी एक बार मौका दिया जाता है, उसके भी सुना जाता है, लेकिन ये तो बिल्कुल जबरदस्ती हो रही है, सिर्फ तो जबरदस्ती हो रही है। आपने आत्महत्या करने की भी कोशिश? मैं सर मैं यहाँ नहीं करूँगा, अपने घर करूँगा, मैं तब करूँगा करूँगा। देश में कुछ नहीं है, अधिकारी को मानते हैं सर, पूरा प्रशासन शासन जो भी चुनाव में ड्यूटी में सर, डीएम साहब ने मुझे कहा जाइए आपके पास सुनी जाएगी, लेकिन नहीं सुनी गई। जो पर्यवेक्षक बैठे मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, मैं हाथ जोड़ता रहा गुहार करता रहा। सर मेरी मेन गलती बताओ ना, जब आश्रित मेरे ऊपर डिपेंड ही नहीं है, ये तो एक सीनियर आईएएस अफसर अपने विवेक से, मैं फौज में कमांडर रहा हूँ, सारे कानून एक तरफ, लेकिन अगर सीनियर अधिकारी अपने विवेक से चाहे तो सारे कानून एक तरफ रखे जाते हैं, वो कुछ भी कर सकता है। आप बैंक में जाइए आप लोन लीजिए, आपको लोन नहीं मिले, लेकिन अगर मैनेजर चाहे अपने विवेक से आपको लोन दे सकता है। अब चुनाव अधिकारी का क्या कहना है? सर चुनाव अधिकारी ने कह दिया मेरा फैसला फाइनल, मैंने जो लिख दिया वो मेरा फाइनल। क्या कमी आपके पर्चे में? सर मेरे पर्चे में कोई कमी नहीं थी, जो उन्होंने मुझे स्कूटरी के तौर पे दिया वो मैंने भर के दे दिया, जब मैंने दोबारा दिया उसमें एक जगह लागू नहीं रह गया जो कि मेरे ऊपर एप्लीकेबल भी नहीं है, क्योंकि वो कॉलम मेरा पहले वाले पर्चे में पूर्ण है जो मैंने दोबारा दिया जी, उसमें उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसी के आधार पर उन्होंने कह दिया ये आपका नहीं। मैं सर ये तो मेरे पहले एफिडेविट में है जी, कि दूसरे में जो आपने लिख के दिया वो तो मैंने पूरा कर दिया, तो इसमें दिक्कत क्या है? बोले नहीं 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 हम उसको नहीं मानते पहले वाले को, हम तो दूसरे को मानेंगे। अब आपका आगे का निर्णय क्या होगा? सर निर्णय आपके सामने है, निर्णय आपके सामने है। मैं ऐसे देश में जी के क्या करूंगा, इससे अच्छा तो मैं बॉर्डर पे मर जाता। मुझे लोग सही तो कहते, आप जैसे मुझे नमन कहते, आज मैं प्रशासन की वजह से मैं आज मरने को मजबूर हूँ। कहाँ से पर्चे? इसलिए मेरा बड़ा इससे बड़ा दुर्भाग्य मैंने लिखा है। पर्चे लड़ रहे थे? मैं मीरापुर 16 से आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी हूँ। बिल्कुल सलाम धक्के से आइए, और मुझे यहाँ थोड़ा बहुत ये भी दिखाई दे रहा कि यहाँ का शासन प्रशासन हम सरदारों से अच्छा व्यवहार नहीं करता है। एक सरदार होने के नाते मैं ये सोच रहा हूँ शायद मुझे इसलिए टारगेट किया गया है कि हम लोगों ने धरना प्रदर्शन जो किए काले कानून के खिलाफ, नहीं तो इतना बड़ा थोड़ी है। सर ये तो मेरी बात सुननी चाहिए इनको। मैं डीएम साहब के पास गया, उन्होंने कहा ऑब्जर्व के पास जाइए, ऑब्जर्व ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। आर ओ साहब बोलते रहे क्यों? ऑब्जर्वर को मेरी बात सुननी चाहिए, अपने विवेक से काम लेना चाहिए। ऐसा क्या है क्यों बिल्कुल उनके जड़ में बैठे बात नहीं सुने? मैंने उनको इंडिकेट भी किया कि सर आप ऑब्जर्वर हैं मेरी बात सुनिए, लेकिन कोई आदमी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सर मैं तो मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ? मैं देश के लिए 22 साल कमाई और हमें यहाँ देश की सेवा करना चाह रहे पार्टी के नाते, तो मुझे मेरा वो भी हक मेरा सीधा जा रहा है।